ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच, और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोज वक्त पे आप तक पहुँचती रहें। लेक्चर सिटी की तरफ से एक डेडलाइन दी गई जी, हम जो है 10 तारीख को रेट रिवाइज कर लेंगे, और इस सिलसिले में हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में मैंने दो चार चीजें उनके गोश गुजार की, और उम्मीद है कि वो इस पे अमल दरामद भी होगा, क्योंकि भाई हैं, बड़े भाई हैं, काबिल इज्जत हैं, बातों को समझते भी हैं, और वो एक रियलिटी है। एक तो फाइनेंशियली कंडीशन, मुल्क की हालात हर बंदे की, उसको देखना। दूसरा मुहर्रमुल हराम है, ना तो आप मुहर्रम में इवेंट करेंगे, ना हम करना चाहेंगे, ना हम इस साइड पर जाएंगे, क्योंकि ये महीना जो है ये कुछ और तरह की फीलिंग्स के साथ आया हुआ है, आता है हर साल, और सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। जब आपको इवेंट नहीं कर पाएंगे, जब आप लॉन्चिंग सेरेमनी नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि लॉन्चिंग के लिए आपको ऑफिशियली इसको लॉन्च करना पड़ेगा, चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफिशियली बाय रखनी पड़ेंगी। तो जब मुहर्रमुल हराम में आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम इस हक में भी नहीं है कि आपको इस तरह की इवेंट, को इस तरह की एक्टिविटी, को म्यूज़िक, कुछ इस तरह के सिलसिले चलें, वो हम जब ये करने के हक में नहीं है। जब मैं नहीं हूँ तो हर वो बंदा जो क्या कहते हैं कि एज ए मुस्लिम और मुहब्ते अहले बैत और जिसे वाकई करबला का इलम है, हर वो बंदा इन चीज़ों को समझता भी है और समझना भी चाहिए। सेकेंडली ये कि डेट अगर आप एक्सटेंड करते भी हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपने इतना कर लिया है, दो चार छः दिन, हफ्ता, 10 या 15 मुहर्रम के बाद, या फिर आगे अगस्त का महीना शुरू हो रहा है तो पाकिस्तान डे है 14 अगस्त के करीब तरीन को एक इवेंट आप प्लान कर लें, जिसमें आप इसको पाकिस्तान डे से भी मनसूख करें। हम चाहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से भी, जो टूरिज्म डिपार्ट है आपका, KPK का, पंजाब का, या और जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में इस प्रोजेक्ट को, जितने भी टूरिज्म सेक्टर्स के लोग हैं, जो लोगों का जिनका होना बड़ा ज़रूरी है, वो तमाम दोस्त भी इसमें शामिल हों और सिलसिले जो हैं वो शानदार हों। प्री लॉन्च पे काफ़ी लोग मुस्तफीद हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर लोगों को टाइम और चांस दिया जाए, और ये मंथ स्पेशली दिया जाए, क्योंकि पिछले महीने में ईद थी, कुर्बान थी, और भी लोगों के बड़े अखराजात थे, बहुत सारी चीज़ें थी, सुन्नत इब्राहिम में भी लोग मसरूफ़ थे, तो अब अगर उनको ये मंथ का टाइम दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि प्री लॉन्च पे काफ़ी दोस्त जो हैं वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेक्चर सिटी अगर आप ट्रैवल करें, यहाँ से ईरान एवेन्यू बनी है ये 11 से, और आप मरगले एवेन्यू की तरफ जब मूव करते हैं तो आपको अलेक्जेंडर रोड जो है वो मरगले एवेन्यू से नज़र आता है, उसकी वो कटिंग, वो रोड स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो CDA सेक्टर में हो रही है, आगे KPK गवर्नमेंट इसको कर रही है, 18 किलोमीटर का ये स्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है खानपुर डैम तक, उस पर प्रैक्टिकली फिजिकली वर्क हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। तो ये रोड तकमील होने की जरूरत है। मैं आज बताता चलूँ, जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि हम देखेंगे प्रोजेक्ट की लुक निकल आए, प्रोजेक्ट की शक्ल निकल आए, हम उसको बाद में करेंगे, ये वो करेंगे, ये रोड सिर्फ ऑपरेशनल हो जाए, मैं आपको बताता चलूँ कि आप लेक शोर को पकड़ नहीं सकेंगे। अभी तो चले 25,000 में 5 मरला बुक हो रहे हैं ना, जो लोग बुक कर चुके हैं वो अपना टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे करें ताकि आपका सिलसिला जो है वो चलता रहे, और जो लोग अभी तक इस इंतजार में कि आप वेट करेंगे और उस वेट के बाद आप आगे सिलसिले करेंगे, तो मैं बताता चलूँ कि अलेक्जेंडर रोड ऑपरेशनल होने की जरूरत है कानपुर तक। ये 18 किलोमीटर, ये 20 मिनट का ट्रेवल आने की देर है। लेक शोर सिटी की ना ये प्राइस होंगी और ना आपके अप्रोच में रहेंगी। बाकी किसी भी किस्म की मालूम सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।